आज पाकिस्तान के शहपार 2 ड्रोन के बारे में बातचीत की, आखिर पाकिस्तान का ये ड्रोन कितना खास है और क्या कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान की रक्षा कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सॉल्यूशंस ने एक हमलावर ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन का नाम है शहपार 2। ये एक मानव रहित लड़ाकू एरियल व्हीकल है और इसे पिछले साल ही कंपनी ने बनाया है। इसे तत्काल सर्विस में भी ले लिया गया है। अब इसके खासियत की बात करें तो इसके अंदर 50 किलोग्राम और बाहर की तरफ 120 किलोग्राम का पेलोड लग सकता है। शहपार 2 ड्रोन 26.3 फीट लंबा है और इसका विंग स्पैन 52.5 फीट का है। टेक ऑफ के समय इसमें अधिकतम 850 किलोग्राम तक का वजन लग सकता है और यह अधिकतम 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। शहपार 2 ड्रोन की क्रूज स्पीड यानी सामान्य उड़ान के समय गति 158 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सर्विलांस के समय ये लगातार 14 घंटे और हमला करते समय ये लगातार 7 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। शहपार 2 ड्रोन अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। उसमें बर्क यानी लेजर गाइडेड मिसाइल लगी होती है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है। ये मिसाइल 45 किलोग्राम की होती है और शहपार 2 ड्रोन पर GIDS Zoomed 2 मल्टी सेंसर टेरे लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें ऑटोनोमस GPS बेस्ड ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। ये पाकिस्तानी ड्रोन 300 किलोमीटर की दूरी तक का रियल टाइम डेटा देता है, जबकि 1050 किलोमीटर की दूरी तक सैटकॉम डेटा लिंक मिलता है। शहपार 2 ड्रोन में एक बार टारगेट लॉक कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद रनवे से टेक ऑफ करके टारगेट को खत्म करके वापस चला आता है, ऐसा कंपनी का दावा है। इसके अलावा ये किसी भी समय निगरानी कर सकता है, यानी दिन हो या रात दोनों ही समय पर निगरानी और हमला करने में यह सक्षम है। इस ड्रोन पर 60 किलोग्राम के लेजर गाइडेड AGM मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इस ड्रोन पर फिलहाल सिर्फ 2 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी इस पर सिर्फ 2 ही मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। पाकिस्तान अपने बेड़े में ड्रोन तो लेकर आ रहा है, लेकिन भारत भी ऐसे ड्रोनों को खत्म करने के लिए ड्रोनाम जैसी बंदूकों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी भी शाह पर कि किसी भी वर्जन को मार गिरा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।